अब देखो जीवन एग्जैक्टली ऐसा है कि नहीं, मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट टू मोमेंट फ्यूचर पास में जा रहा है, राइट। अच्छा तुम्हें खुश होना हो तो मौका कब है? अभी, अभी है नाउ। तुम 100 साल जी लोगे ना तो भी 2 मोमेंट एक साथ में नहीं मिलेंगे जीने के लिए, ओनली 1 मोमेंट एट ए टाइम एंड दैट इज नाउ एंड नाउ एंड नाउ। अच्छा सिर्फ हैप्पीनेस की बात नहीं है सर, आप चिंता करते हैं तो फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं, लेकिन करते कब हैं? अभी ना। आप गुस्सा करते हैं तो पास्ट को लेके गुस्सा कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन करते कब है? अभी। गुस्सा भी अभी, चिंता भी अभी, हैप्पीनेस भी अभी ही। आर यू लिस्निंग माय डियर? बजा लो। थैंक यू, थैंक यू। यू नो एक नर्सरी की कविता है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में सिखानी चाहिए एक्चुअली। कहते हैं द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव अ लिटिल हेवन राइट हियर। द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ And the place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and have a little heaven right here. कितना सिंपल है ये। I'll tell you, हम पोस्टपोन करते रहते हैं हैप्पीनेस को। ये मिल जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा। फिर कहते हैं इनके साथ डाइवोर्स हो जाए तो हैप्पी हो जाऊंगा। वहां पहुंच जाऊं फिर हैप्पी हो जाऊंगा। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सुन। सचमुच ऐसा है, तुम हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर करके जी रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम कहते हो ना कि ये मिलने पर खुश हो जाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, वो मोमेंट जब प्रेजेंट में आएगा तब भी खुशी मिलेगी ही तुम्हें, लेकिन वेट क्यों करना है तुम्हें? अभी हो सकते हो, अभी उत्साह जगा सकते हो, अभी प्रेम जगा सकते हो, अभी उत्सव मना सकते हो जीवन का। चलो जगा के देख लो, जागा कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं लेट अस बी हैप्पी राइट नाउ और फिर जो जरूरी है वो करते रहेंगे जीवन के लिए।